सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। मैं शशांक आप लोगों के साथ में इस समय बात करना चाहता हूं कि जो कल संयुक्त राष्ट्र की महासभा के अधिवेशन में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले हैं करीब 17 मिनट, उसके बाद में एक घंटा बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कुछ अनर्गल तरीक़ों से बोलते रहे हैं वो करीब 50 मिनट, और उसमें भी बीच में लाइट जलती रही उनके 15-16 मिनट के बाद में, लेकिन वो रुके नहीं, कुछ ना कुछ बोलते रहे। तो आवश्यक है हम लोगों के ये समझने के लिए कि इसका मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी जो बात कहना चाहते हैं वो 15-16 मिनट में सबके सामने विश्व के सामने रख देते हैं, उनका सब तारीफ़ भी करते हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से स्टैंडिंग ओवेशन भी मिलता है। और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, एक तो बार बार उनको ताकीद किया जाता है कि भाई अपने स्पीच ख़त्म कीजिए, फिर बूइंग शुरू होती है, जो कि पहली बार हमने सुना है कि इस तरह के अधिवेशन में इस तरह का कार्य भी होता है। तो अब समझने के लिए ये आवश्यक है कि पाकिस्तान में ये हो क्या रहा है कि इमरान खान या तो भाषा बोल रहे हैं जो कि इस समय इस्लामिक स्टेट या दाएश के लोगों की, अलकायदा के लोगों की भाषा है, तो क्या वो उनके दबाव में आ गए हैं या उन्होंने उनको ज्वाइन कर लिया है? पहले भी वो कई बार इस तरह की बातें बोल चुके हैं, जो इस्लामिक रेडिकल फैक्शंस की बातें वो कहते रहे हैं प्रधानमंत्री बनने से पहले। थोड़े समय के लिए उन्होंने ज़रूर अपना वक्तव्य बदला था कि नया पाकिस्तान लाना चाहते हैं, लेकिन फिर वो वही भाषा बोल रहे हैं, जिहाद की भाषा बोल रहे हैं। जो जितने भी नॉन इस्लामिक लोग हैं या जो जिनको वो कहते हैं कि इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, उनको सबको जो है वो जिहाद के तौर से सबको ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक प्रकार से वो दिखाना चाहते हैं कि कम से कम वो इस समय एक संस्था के अंदर होते हुए, सरकार के अंदर होते हुए वही काम करने को तैयार हैं जो कि जो इस्लामिक रेडिकल फोर्सेज हैं जो नॉन स्टेट के एक्टर्स की वजह से काम कर रही हैं, तो वो सब साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। और हम लोगों ने देखा भी है कि कम से कम पाकिस्तान के जो ये बैटल एक्शन टास्क फोर्सेज, बैट टीम्स बनती हैं जो आतंकवाद फैलाना कोशिश करती हैं कश्मीर में और जगहों में, तो उसमें कम्बाइंड ऑपरेशंस होते हैं आतंकवादियों के भी और उनके कमांडोज के भी। तो एक तो ये, दूसरा यह देखना कि वो बात करना चाहते हैं कि देखिए कश्मीर मुद्दा ऐसा है कि हो सकता है कि परमाणु युद्ध हो जाए, तो उसमें जो है फिर सारे विश्व को इसमें नुकसान होगा, विश्व को सब देखना पड़ेगा, तो अभी से देख लीजिए। ये बात हम समझते हैं कि अगर 1947 के बाद से पाकिस्तान का रवैया देखा जाए तो बढ़ते बढ़ते, पहले वो इस्तेमाल करते थे कबायलियों को, इस्तेमाल करते थे अपने सेना के लोगों को मुफ्ती की ड्रेस में, अपने उनके हथियार वगैरह सब निकाल के दे देते थे। अब धीरे धीरे उन्होंने देखा कि भारत का मुकाबला वो आर्थिक रूप से नहीं कर सकते हैं। भारत ने हालांकि बहुत उनको कोशिश करी आर्थिक सहयोग के लिए, लेकिन उसको वो माना नहीं उन्होंने। उन्होंने कहा नहीं, आपका फ़ायदा नहीं होना चाहिए, फ़ायदा पाकिस्तान का हो, आपका नुकसान हो, यही चल सकता है। तो फिर उन्होंने जो है परमाणु युद्ध की तरफ कदम बढ़ाने शुरू किए। एक उनके प्रधानमंत्री थे जुल्फ़िकार भुट्टो, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं घास खा लूँगा लेकिन परमाणु बम ज़रूर बना के मानूँगा। अब वही बात इस तरह की इमरान खान लगातार करते जा रहे हैं, किसी की नहीं सुन रहे हैं, चाहे वो इस्लामिक देश हों, चाहे वो उनके मित्र देश अमेरिका, चीन वगैरह जो भी कोई हो, रूस हो, वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। वो परमाणु युद्ध की तरफ लगातार संकेत कर रहे हैं कि हम इसमें आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि हमारे पास कोई मौका नहीं है, कोई देश हमारे साथ में नहीं है, और हमारे साथ में जो है किसी प्रकार का भी कन्वेंशनल फोर्सेज ऐसे नहीं है कि भारत को हम किसी तरह से सामना कर सकें। तो ये बात क्या बन रही है? अब ये देखिए कि पाकिस्तान जो है अपने देश को नहीं संभाल पा रहा है। उनके यहाँ गिलगित बाल्टिस्तान में जहाँ शिया लोगों की बहुतायत है, आगा खानी ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे उन्होंने जो है ज़मीनें अधिकतर अपने सेना के लोगों को दे दी हैं। उन्होंने चीन को बोला है कि आप यहाँ पर आके जो अपना प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं वो बनाइए, साथ ही साथ अपने सैनिकों को भी भेजिए। 10-15 हज़ार चीनी सैनिक वहाँ पर जो है सुरक्षा देने के लिए आए हैं। इसी प्रकार से बलूचिस्तान में भी 15 हज़ार चीनी सैनिक उन्होंने बुला रखे हैं। तो इस समय उनका दोस्त कौन बचा है? विश्व स्तर पर चीन, क्योंकि उन्होंने अपने देश के कई हिस्से जो उन्होंने अपने हथियार लिए थे
वो उन्होंने चीन के उसमें साथ में शेयर करना शुरू किया उस वजह से। दूसरा कौन है, क्योंकि भारत के अंदर कई ऐसे हमारे ऑपोजिशन पार्टीज़ भी हैं जो कि अपना हमारा डेमोक्रेसी की वजह से चलता है कि भाई जो सरकार है उसकी कमज़ोरियाँ देखी जाए, उनके खिलाफ़ बोला जाए, तो वो इमरान खान को अच्छा लगता है। उनको याद है कि सन 47-48 में एक समय था जब गांधी जी अनशन पर बैठ गए थे कि पाकिस्तान चाहे हमारे यहाँ लड़ाई करे लेकिन 55 करोड़ रुपया जो उनको देना था वो उनको दिया गया। तो एक तरीके से वो हमेशा से इस बात पे मनाते रहे हैं, वो ले भी गए हैं 55 करोड़ रुपया उस समय ले गए। 65 की लड़ाई के बाद में हाजी पीर पास वगैरह ले गए, 71 की लड़ाई के बाद में उन्होंने जो है अपने 93,000 सैनिकों को ले लिया। और बाद में उनके लोग कहते हैं कि देखो हमने कितना बुद्धू बनाया है भारत का कि एक जीते हुए देश को हमने हरा दिया और हम तो बहुत ही होशियार हैं। ये खुलकर बोलते थे पाकिस्तान के नेता कि अगर हमारे पास भारत के 6,000 भी लोग आ जाते तो देखिए हम भारत को घुटनों के ऊपर झुका देते। अब वो इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि किस प्रकार से जो है भारत को और पूरे विश्व को इस तरह का जो है धोखा दिया जाए, परमाणु युद्ध की बात की जाए, तो कुछ ना कुछ भारत को इसके बारे में भी बोलना होगा। उसके अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि भारत ने जो हमारे प्रधानमंत्री ने अपना स्टेटमेंट दिया है वो एक प्रकार से जो हम देखें तो पूरी उसकी पृष्ठभूमि को समझना चाहिए कि भारत G20 के मुल्कों का एक समूह में मिला हुआ है। हमारे आसपास के भी जितने समूह हैं जैसे रूस और चीन के साथ में रिक एक समूह है जिसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह सीनियर शीर्ष स्तर के लोग भी मिलते रहे हैं। आसियान कंट्रीज़ के साथ भी, एशिया पैसिफिक का नाम बदलकर इंडो पैसिफिक कर दिया गया है, डेमोक्रेसीज़ की कॉन्सर्ट्स है उसमें भारत पार्टिसिपेट करता है। इधर हमने ईरान और अफगानिस्तान में हमने जो है एक तरीके से बना रखा आपस में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ताकि इस हिस्से में जो है स्थायी और शांतिपूर्ण सौहार्द का प्रोग्राम बनाया जा सके। पाकिस्तान इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर है, उनको कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए भारत ने ये दिखाने की कोशिश करी है, क्योंकि अब G7 में भी भारत को बुलाया गया, भारत ने जिस प्रकार से जो है भारतीय मूल के जितने भी नागरिक बाहर रहते हैं या भारतीय बाहर रहते हैं हमेशा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने साथ में उन सबको भी आगे लेकर चले हैं, उनकी भी बहुत स्थिति बढ़ाई है, सुदृढ़ की है, भारत की स्थिति भी सुदृढ़ हुई है। और एक प्रकार से देखिए तो जितने भी विश्व के नेता हैं वो बहुत अपने को गदगद महसूस करते हैं अगर प्रधानमंत्री मोदी के साथ में उनकी दोस्ती होती है। दूसरा, वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने जितने भी ऊंचे से ऊंचे रिकग्निशंस होते हैं वो सब देने को तैयार रहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बात करी, उन्होंने बात करी है कि हम सबको मिलकर शांति की तरफ बढ़ना चाहिए, हमें डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। आतंकवाद जो ऐसा जिसको एक एक देश अलग अलग नहीं लड़ सकता है, हम सबको मिलजुल कर लड़ना चाहिए, क्योंकि नए नए रूपों में ये आतंकवाद निकल कर आ रहा है, नई टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करता है, नए जो वेपन्स हैं उनको इस्तेमाल करता है, और उनको हम जो है कोशिश करते हैं कि किस तरीके से पूरे विश्व को पीछे से पीछे धकेला जा सके। तो कि जो भी कुछ अगर हम शांति की तरफ ले जा सकते हैं, तो उन्होंने नाम किसके लिए, बुद्ध का नाम लिया, स्वामी विवेकानंद का नाम लिया, और किस तरीके से जो है उन्होंने कहा कि हमने जो है सब जगह वातावरण फैलाया है शिक्षा का, स्किल डेवलपमेंट का, और सस्टेनेबल गोल्स के लिए, एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन को रोकने के लिए। तो उन सब चीज़ों की जितने भी विश्व के कंसर्न्स हैं, विश्व की समस्याएं हैं, उनको कैसे मिलकर सुलझाया जा सकता है महासभा के अधिवेशन में सब लोगों के साथ मिलकर। दूसरा, जो हमारी अपनी हेरिटेज है, विरासत है, कल्चरल है, सांस्कृतिक विरासत है, उसमें किस तरीके से जो आजकल की दिक्कतें हैं उनको भी किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ भारत ने एक ये भी संदेश दिया है कि हम में आक्रोश भी है कि हम अगर हमारे साथ में किसी तरह का गलत काम करने की कोशिश की जाती है तो उस आक्रोश की वजह से हम उसको मिलजुल कर सब देशों के साथ में उससे निपट सकते हैं। और आपने पहले भी देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी बोला कि भारत सक्षम है जो भी उनके यहाँ जिस तरह के आतंकवाद वगैरह फैल रहा है उसे पूरे तरीके से अच्छे तरीके से निपटने के लिए। तो मैं समझता ये हूँ कि भारत ने जिस अपनी मित्रता बढ़ाने की कोशिश करी अपने पड़ोसी देशों के साथ में, जो खाड़ी के देश हैं सबके साथ में मिलकर, जो सेंट्रल एशिया में भी उन्होंने कोशिश करी है कि अफगानिस्तान वगैरह में जो है पूरा वहाँ पर स्टेबिलिटी आए, पाकिस्तान को भी मैसेज दिया है कि अगर आतंकवाद वो ख़त्म करे, ये युद्ध की भाषा ख़त्म करे, तो भारत आगे बढ़ने को तैयार हो सकता है। लेकिन बढ़े तो सही, पाकिस्तान कुछ करे इसमें। तो एक प्रकार से जो महासभा में इस तरह के एक वातावरण बनता है, एक मौका होता है हम सबको अपना इस बारे में बोलने के लिए, प्रधानमंत्री ने जो है अपने विचारों को पूरे तरीके से
कॉम्प्रिहेंसिवली दिया है वहाँ पर, और ये बहुत ज़रूरी बात थी। लेकिन साथ ही साथ जब इमरान खान बोले और अनर्गल बातें करी, तो भारत के जो राजनयिक हैं उनको उसको पूरे तरीके से, जो भी एक्चुअल सिचुएशन है उसको जो है हमारे संयुक्त राष्ट्र महासभा के पटल पर रखना आवश्यक था, और उसको उन्होंने पूरे तरीके से लिख कर दिया है वहाँ पर। और ये मेरे ख्याल से रिकॉर्ड पर रहेगा कि पाकिस्तान ने क्या कहा, भारत ने उसका क्या जवाब दे दिया। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जो पाकिस्तान ने कहा वो उसको किसी तरह का जवाब नहीं मिला है, वो जवाब भी दिया गया है। तो हमको ये मान के चलना है कि भारत के सामने जो समस्याएँ हैं भारत खुद निपटेगा, भारत को जहाँ पहुँचना है भारत वहाँ पहुँचेगा। हम कोशिश करेंगे कि पूरे तरीके से जितने भी बड़े बड़े देश हैं उन सबके साथ में हम मिलकर चल सकें, सबको साथ में ले सकें, और जो देश हमको जो है ख़तरा पहुँचाने की कोशिश करेंगे हम एक तरीके से बाकी सब देशों के साथ में जुड़ के चलें, और इन देश को जो है इस तरह के देशों को आगे ना बढ़ने दें। धन्यवाद। अगर मैं ये दी फ्रंट में जिस तरह से मैंने आपके साथ शेयर किया है, मैं उम्मीद है पूरी कि आपको बातें जो हैं ये पसंद आएंगी। इसके बारे में आप अपना जो है जो भी कमेंट्स दे सकते हैं तो वो दीजिएगा, वो हमको जो है आगे उसको ध्यान में रखेंगे अपने अगले जो भी इसके हमें अगले हफ्ते जब आपसे बात करेंगे।